हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल. आई एम ऑडिबल. यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके, देखो, ये जो आपको वेब पेज दिखाई दे रहा है, इसे मैंने स्लाइड ओपन की हुई है. ये मेरी स्लाइड नहीं है, स्लाइड शेयर पर मैंने सर्च की है और वहाँ पे ये जो है गौरव टंडन असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनके द्वारा बनाई गई ये स्लाइड है, जिनको जिनकी हेल्प से हम क्लास लेते हैं. ठीक है, तो आप भी है ना स्लाइड शेयर पे कंपास सर्वे करोगे पीपीटी लिख के गूगल पे, तो आपको भी ये स्लाइड मिल जाएगी. ठीक है, डाउनलोडेबल नहीं है ये, बट आप इसको पढ़ सकते हो, यहाँ से रीड कर सकते हो ऑनलाइन. तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, एक मिनट, कितने मेंबर आ चुके हैं देख लेते हैं. 21. ठीक है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो क्लास में अब्सेंट नहीं होना है, और एक आपको जो ज्वाइनिंग टाइम है वो आपको 35 मिनट तक रखना है, तभी आपको अटेंडेंस मिलेगी. तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि कंपास सर्वे में आपका दो तरह के सिस्टम होते हैं. एक होता है क्वाड्रेट सिस्टम, ठीक है, जिसको हम क्यू बी बोलते हैं, क्यू बी, और एक होता है आपका डब्ल्यू सी बी. ये दोनों आपको पता चल गए थे, और आप किसी भी को किसी में भी कन्वर्ट कर, क्यू बी को कन्वर्ट कर सकते हो डब्ल्यू सी बी में, और डब्ल्यू सी बी को कन्वर्ट कर सकते हो क्यू बी में. क्यू बी है क्वाड्रेट बेयरिंग, डब्ल्यू सी बी है हॉर्स सर्कुलर बेयरिंग, जो नॉर्थ से क्लॉकवाइज लेते हैं, और इसे क्वाड्रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग लेते हैं क्यू बी को. उसके बाद हमने बात की थी फॉर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग. जब हम फॉरवर्ड चलते हैं रीडिंग लेते हुए, तो जो नॉर्थ से एंगल हम लेंगे डब्ल्यू सी बी के अंडर, वो होगा आपका फॉर बेयरिंग. और बैक बेयरिंग क्या होगी, उसी प्राइम पॉइंट को जो दोबारा आप पीछे से देखेंगे, जैसे ए से बी पे गए और बी से फिर ए को आप चेक कर रहे हो, तो वो होगी आपकी बैक बेयरिंग. फिर हमने डिस्कस किया था कि फोर बेयरिंग गिवन है तो बैक बेयरिंग कैसे निकालोगे, बैक बेयरिंग गिवन है तो फोर बेयरिंग कैसे निकालोगे. सिंपल था आपका, अगर फोर बेयरिंग गिवन है तो आपको ये देखना है फोर बेयरिंग 180 से लेस है तो उसमें, सॉरी, फोर बेयरिंग आपको निकालना है और बैक बेयरिंग गिवन है. अगर बैक बेयरिंग 180 से कम है तो 180 ऐड कर देना है, और अगर 180 से ज़्यादा है तो उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है. ठीक है, प्लस कब होगा, जब ये जो आपकी बैक बेयरिंग है ये 180 से कम होगी, और जब ये होगी 180 से ज्यादा तो आपको ऐड करना है. तो फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग आपको न्यूमेरिकल में अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है क्वाड्रेट बेयरिंग, तो आप उसको होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट कर सकते हो. होल सर्कल बेयरिंग दिया है तो क्वाड्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो. आपको बेयरिंग दी हुई है बैक बेयरिंग, तो आप फोर बेयरिंग कैलकुलेट कर सकते हो. फोर बेयरिंग गिवन है तो बैक बेयरिंग कैलकुलेट कर सकते हो. चलो अब आगे चलते हैं. यहाँ तक ये हो चुका था, हमने कुछ एग्जांपल यूज कर लिए थे कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, एक बार ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं. ये कह रहा है कि द फोर बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी बी सी सी डी एंड डी ई आर 45 डिग्री 30 मिनट, 120 डिग्री 15 मिनट, 200 डिग्री 30 मिनट एंड 280 डिग्री 45 मिनट रिस्पेक्टिवली. फाइंड द एंगल बी सी डी, फाइंड द एंगल बी सी और डी. ये तीन एंगल आपको मेजर करने हैं, ठीक है, और इनका आपको दिया हुआ है फोर बेयरिंग. तो आप इस डायग्राम में देखोगे ये 45 डिग्री हो गया फोर बेयरिंग, क्योंकि आगे की ओर जा रहे हैं हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज. ये हम बी से सी की ओर जा रहे हैं तो ये नॉर्थ से क्लॉकवाइज दिया हुआ है 120 डिग्री. सी से डी की ओर जा रहे हैं तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज 230 मिनट, और ई से दिया हुआ है नॉर्थ से 280 45 मिनट. अब एंगल बी अगर हमें निकालना है, ये एंगल बी जो रेड कलर का मैं अभी बना रहा हूँ, ये एंगल बी निकालना है हमें, अभी ग्राफिकली समझा देता हूँ आपको. तो ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर मैं बैक बेयरिंग की बात करूं बी सी की, बैक बेयरिंग हो बी ए, सॉरी, बैक बेयरिंग ऑफ बी ए, अगर हम बैक बेयरिंग ऑफ बी ए की बात करें तो वो ये होगा जो मैं ग्रीन कलर का बना रहा हूं अभी.
ठीक है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज ए लाइन ए तक, ये एंगल होगा ठीक है। और इस एंगल में से अगर माइनस कर दूं फोर बेरिंग को बी सी, यानी कि ये ब्लू वाला एंगल, ग्रीन एंगल में से ब्लू माइनस कर दूं तो रेड वाला एंगल हमको मिल जाएगा, यानी कि इंटीरियर एंगल एंगल बी हमें मिल जाएगा। तो इससे इक्वेशन आपको याद आ गई होगी, इंटीरियर एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ बी ए माइनस फोर बेरिंग ऑफ बी सी, यानी कि जिस पॉइंट का, ये पॉइंट है बी, जिस पॉइंट का आपको एंगल निकालना है उससे बैक बेरिंग जो है उसमें से माइनस करनी है फोर बेरिंग। अगर ये बैक बेरिंग है और ये फोर बेरिंग है, तो बैक बेरिंग ऑफ बी ए माइनस फोर बेरिंग ऑफ बी सी, और ये आपका एंगल बी निकल जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बताए, फिर इसको आपको कैसे करना है आगे सॉल्व दिया हुआ है, तो ग्राफिकली मैंने समझा दिया है ठीक है, वरना आप ग्राफिकली करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इक्वेशन लिखनी है, एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ बी ए माइनस फोर बेरिंग ऑफ बी सी। फोर बेरिंग ऑफ बी सी आपको पता है, आपको बैक बेरिंग ऑफ बी ए निकालनी होगी, वो आपको पता है कि अगर फोर बेरिंग ए बी ए दिया हुआ 45 डिग्री यानी कि 180 से कम, तो बैक बेरिंग क्या होगी, 180 से प्लस हो जाएगी ठीक है। तो एक देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे, तो मैं एंगल बी, फिर आगे इसका सॉल्यूशन गिवन होगा, एंगल बी इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ बी ए यानी कि 180 प्लस 45 डिग्री, 30 मिनट रफली लिख रहा हूँ ठीक है, और माइनस कर दो इसमें से 120 डिग्री, 15 मिनट, तो 45 अगर इसमें ऐड करते हैं तो 225 डिग्री 30 मिनट हो गया, और 225 में से अगर 120 माइनस करेंगे तो 5 डिग्री हो गया, और 5 डिग्री 30 मिनट, या 5 डिग्री 15 मिनट आ रहा है इसका आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। 225 में से 120 माइनस कर रहे हैं ना, 125 में से, 225 में, सॉरी 225 में से, 225 में से, तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा ठीक है। वैसे तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, यस सर। चलो मैं आगे देखता हूँ उसका क्या दिया हुआ है उन्होंने, 105 इसका सॉल्यूशन है, 105 डिग्री 15 मिनट। तो उन्होंने क्या किया, इंटीरियर एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ ए बी माइनस फोर बेरिंग ऑफ बी सी। बैक बेरिंग कैसे निकालिए, 45 डिग्री 30 मिनट ऐड कर दिया, उसे 180 ऐड इसलिए किया है क्योंकि जो एंगल है वो 180 से लेस है, अगर ज़्यादा होता तो माइनस करते, -120 डिग्री, और टोटल हमारे पास 105 हो गया। इंटीरियर एंगल ऑफ सी सेम है, जैसे निकाल लेंगे यही क्वेश्चन लगा के, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ डी, अब उन्होंने एक्सटीरियर एंगल ऑफ डी क्यों लिखा हुआ है, फिर इंटीरियर एंगल डी निकाला हुआ है। जरा हम न्यूमेरिकल को दोबारा देखते हैं। ओके, इस न्यूमेरिकल में अगर मैं डी का निकालना चाहता हूँ, एंगल डी ठीक है, तो बैक बेरिंग ऑफ डी सी, तो बैक बेरिंग ऑफ डी सी क्या होगी, नॉर्थ से ये एंगल ठीक है, और फोर बेरिंग ऑफ डी ई, तो डी ई की होगी ये आपकी, और अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलें हम, तो बैक बेरिंग ऑफ डी सी में से अगर हम फोर बेरिंग निकालें तो हमारे पास ये एंगल बचता है। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है, इस इक्वेशन से हम नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर उन्होंने कैसे निकाला है, इंटीरियर एंगल 360 में से माइनस कर, इन्होंने क्या किया है देखो, फिर इस बात का आप ध्यान रखना, यहाँ पे एक केस आया है कि जब आपको एक न्यूमेरिकल दिया हो जिसमें ए बी सी डी की आपको एंगल्स दिए हुए हैं, तो एक बार रफली आपको ये ड्रॉ जरूर कर लेना है, वरना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, इस तरह से रफली ड्रॉ कर लेना। जैसे यहाँ रफली ड्रॉ करने से आपको ये पता चला कि एंगल डी है ना। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर इसमें इक्वेशन ये क्यों नहीं लग रही है, इक्वेशन इसलिए नहीं लग रही है, याद हो लास्ट केस में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर दो लाइन आपस में ऐसे सीधी जा रही हैं, कॉइंसाइड मतलब पैरेलल जा रही हैं, तो फिर हम कैसे पता करेंगे, ये एक लाइन है ए बी ठीक है, अब इसका एंगल कैसे पता चलेगा हमें कि इंटीरियर एंगल ये है कि ये है ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो एंगल अगर इन एक लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, स्ट्रेट जा रही है,
ठीक है, तो उसमें आपको गिवन होगा कि कौन सा इंटीरियर कौन सा एक्सटीरियर है। वैसे हम सीधी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री में ये कह नहीं सकते इंटीरियर कौन सा है और एक्सटीरियर कौन सा है, बट अगर थोड़ा सा भी एंगल बन रहा है उसमें 180 से लेस, तो हमेशा याद रखना जो 180 से लेस है वो इंटीरियर होता है, ठीक है, और जो 180 से ज्यादा है वो आपका एक्सटीरियर होगा, ये ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये एंगल निकालना है इंटीरियर, और इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें इसका ये एक्सटीरियर एंगल चाहिए होगा, और 360 में से इस एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो इंटीरियर एंगल हमारा निकल जाएगा। तो ये ग्राफिकली ड्रॉ करके एक बार देख लेना है आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, इन्हें क्लोज ट्रेवर्स, देखो दो तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपका, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल, या फिर हम बोल सकते हैं इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए दो तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एक आता है ओपन ट्रेवर्स एक आता है क्लोज ट्रेवर्स, फिर इनमें एरर भी हो सकता है, ठीक है, तो एरर की अभी बात नहीं करते, आगे है वो एरर कैसे हम रिमूव करेंगे, अभी ये मान के चलते हैं कि एरर जीरो है। अगर एरर जीरो है तो इसका मतलब न्यूमेरिकल में कोई एक बेरिंग दी हुई है, दूसरी बेरिंग कैलकुलेट करनी है, फिर इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो ऊपर लिखा हुआ है इन्हें क्लोज ट्रेवर्स द फॉलोइंग बेरिंग वर ऑब्जर्व विद ए कंपास कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल। अगर आप इसको ना इसकी ड्रॉइंग नहीं बनाओगे तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे कि इंटीरियर एंगल कैसे निकालना है, ठीक है। ड्रॉइंग कैसे बनाओगे, एक रफली मैं बनाता हूँ, यहाँ पे ए बी 65 डिग्री पे है क्योंकि डब्ल्यू सी बी में दिया हुआ है, क्योंकि नॉर्थ साउथ नहीं लिखा हुआ है। डब्ल्यू सी बी सिस्टम क्या होता है आपका, कि जिसमें आपका नॉर्थ से क्लॉकवाइज है, तो 65 डिग्री है तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक, ये नॉर्थ है तो ए बी जो लाइन होगी 65 यानी कि यहाँ ऐसे जा रही होगी, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब बी सी जो है 125 डिग्री, अगर यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट बनाएं 125 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा 90 से ऊपर। फिर तीसरा एंगल है सी डी 200 200 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। फिर है डी ई 265 क्योंकि 270 यहाँ पे आता है तो ये यहाँ पे आ रहा होगा। फिर ई है 330, ये लाइन मैंने ज़्यादा लंबी बना दी, 330 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा जो इससे जाके मिल रहा होगा। इस तरह से हमारा एक क्लोज ट्रेवर्स रफली बन जाएगा, ठीक है। पेंसिल से बनाना है, इसमें गलती क्या होती है, लाइन हम ज़्यादा लंबा, अगर मैं इस लाइन को ज़्यादा लंबी कर देता है ना तो इस लाइन से क्लोज करने में दिक्कत हो जाती, ठीक है, तो पेंसिल से बनाना है। इस तरह से आप एक रफली आपको बना लेना है। क्या कह रहा है, वी फाइंड बैक बेरिंग, सबसे पहले बैक बेरिंग निकालिए, 65 डिग्री लेस देन है 180 से, तो 180 इसमें ऐड हो जाएगा तो 245 आ गया, ठीक है, ये 180 से लेस है, 180 ऐड हो गया इसमें 305 हो गया, ये 180 से ज़्यादा है तो 180 माइनस किया 20 डिग्री आ गया, ये 180 से ज़्यादा है 180 माइनस किया तो 85 डिग्री आ गया, 180 से ज़्यादा है 180 माइनस किया 150 आ गया। तो फोर बेरिंग गिवन है, बैक बेरिंग आपने निकाल ली है इस तरीके से। अब हमारे पास हर लाइन का फोर बेरिंग भी गिवन है, बैक बेरिंग भी गिवन है, ये है क्लोज ट्रेवर्स, ठीक है, कुछ इसी टाइप का। अब इसमें देखते हैं ए बी की, ये क्या है फोर बेरिंग, एफ बी करके बी बी करके लिख लेना। जब बी से हम ए को देख रहे हैं तो ये क्या है आपकी 245, अगर हम 165 में 180 ऐड करें तो कितना होता है 245, तो ये क्या है बी बी। बी से सी गए, ये है एफ बी, ये है बी बी, एफ बी 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 एफ बी 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 और एफ बी, ठीक है। अब ये एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल, तो हमें ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो इजली बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस करेंगे निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये नॉर्थ है हमारा, ठीक है, तो नॉर्थ से हमारा ये एंगल 305 गिवन है और ये एंगल गिवन है, ये वाला, सॉरी ये वाला है ना, तो ये भी है ना, बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस करेंगे निकल जाएगा। हम एक ग्राफिकली में देख रहा हूँ कि फॉर्मूला सेट हो रहा है, नहीं हो रहा। अब इस पे चलते हैं, ये बैक बेरिंग है तो बैक बेरिंग होती है हमारी नॉर्थ से, तो ये छोटा सा एंगल हमें पता है,
क्योंकि ये हमारा नॉर्थ है, ये है फोर बेरिंग नॉर्थ से, यानी कि ये पूरा एंगल हमें पता है। ठीक है, इस केस में देखो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस करूं, अगर मैं बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस करूं तो नहीं निकला, लेकिन अगर मैं फोर बेरिंग में से माइनस कर दूं बैक बेरिंग और फिर 360 से माइनस कर दूं, इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं मैं ग्राफिकली समझाने के लिए ग्रीन कलर से, ये लाइन है और आपके पास ये लाइन है, ठीक है, और आपके पास जो नॉर्थ की लाइन है वो ये है, हमें निकालना क्या है, ये ब्लू वाला एंगल हमें निकालना है, ये ब्लू वाला एंगल, ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, ये एंगल गिवन है, और कौन सा एंगल गिवन है हमारे पास, ये रेड वाला गिवन है, ये रेड वाला, क्योंकि ये नॉर्थ है। अगर इस बड़े एंगल में से मैं छोटा एंगल माइनस कर दूं तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा ये, और अगर मैं 360 में से इस एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दूं तो हमें ये इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देखना। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं, बैक बेरिंग नॉर्थ से एंगल ये आपका है 85 और ये है आपका फोर बेरिंग, सेम है जैसे ये किया है, पहले आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है फिर इंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ग्राफिकली बना के आपको देख लेना। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, एंगल ए इन्होंने निकाला है सिंपली बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग, ठीक है, बी भी सही से निकाल लिया है, सी भी सही से निकाल लिया जैसा मैंने बताया था इक्वेशन, पर डी में इन्होंने क्या किया है, पहले एक्सटीरियर एंगल फिर उसके बाद इस पर इंटीरियर एंगल निकाला है। ठीक है, ये इस तरीके से करना है। ये जो न्यूमेरिकल है ना आपका इंटीरियर एंगल का, जब तक आपने आप एक बार नहीं करोगे ना इसमें कंफ्यूजन ही रहेगी, है सिंपल पर हमेशा इसमें गलती होगी जब तक आप एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ना कर लो। अब देख लो यही न्यूमेरिकल आ गया आपका किस फॉर्म में, क्वाड्रेट बेरिंग में आ गया है। अब क्वाड्रेट बेरिंग में आ गया है ये ए बी सी, इसको पहले कन्वर्ट करोगे होल सर्कल बेरिंग में, ठीक है, क्वाड्रेट बेरिंग में पूरा इसको सॉल्व कर सकते हो लेकिन बहुत कंफ्यूजन भरा होगा, तो सबसे ईजी है कि पहले इसको होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लो और फिर सेम जैसे लास्ट न्यूमेरिकल किया है वैसे आप इसको कर लो। इन्होंने कैसे किया है, पहले इन्होंने बैक बेरिंग निकाली है फिर इस तरह से किया है। चलो एक बार इसको कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको ना होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, देखो नॉर्थ, जब नॉर्थ ईस्ट के बीच में कोई एंगल दिया हुआ है फोर बेरिंग में तो बैक बेरिंग में भी वही एंगल होगा, लेकिन बस क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट चेंज जाएंगे। ठीक है, सेम है जब साउथ और इसमें दी के बीच में एंगल दिया हुआ है तो आपके कोऑर्डिनेट, इसमें देखो केवल वैसे तो आपको बैक बेरिंग निकालना बहुत ईजी है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको कोऑर्डिनेट सोचना है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ 55 डिग्री यहाँ पे है, ये नॉर्थ है और ये क्या है ईस्ट, ये है वेस्ट, सॉरी साउथ है और ये है वेस्ट, इसकी बैक बेरिंग देखनी है। बैक बेरिंग का मतलब है कि यहां से हम इसको देख रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो एंगल वही रहना है, बस आपको क्वाड्रेंट चेंज करने हैं, उसके बाद आपको ये एंगल निकालने हैं, ये एंगल निकालने बहुत इजी है अगर आपने ग्राफिकली है ना अपने बेरिंग को ड्रॉ कर लिया है, फॉर बेरिंग बैक बेरिंग को अगर ड्रॉ कर लिया है तो देखने से ही पता चल जाएगा कि आपको किस में से किसको माइनस करना है, कौन सा एंगल निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली ड्रॉ जरूर करना है आपको। इस तरीके से एंगल निकालने हैं, जैसे एंगल बी की बात करें, अगर हम एंगल बी तो इन्होंने क्या किया है प्लस 63 कर दिया है और आपका ये निकल गया कि हमें ये एंगल पता होगा, इनको ये एंगल पता होगा, दोनों को ऐड कर दिया। क्लोज ट्रेवर्स है और इंटीरियर एंगल निकालना है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग गिवन है, ये क्लोज ट्रेवर्स से ड्रॉ कर लेना है पहले,
ठीक है, बैक बेयरिंग फोर बेयरिंग ये एंगल्स आपको निकालने हैं, ये एंगल आपको पता होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये एंगल आपको गिवन होगा ऐड हो जाएंगे, ये एंगल आपको गिवन होगा और ऐड हो जाएंगे, ये एंगल भी गिवन होगा। थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन दे करनी है और ये हो जाएगा। सबको प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। द फॉलोइंग बेयरिंग वर टेकन ए क्लोज टू फाइंड आउट द इंटीरियर एंगल, ये न्यूमेरिकल जो है ना फाइंड आउट इंटीरियर एंगल, इसको स्टार कर लो। क्लोज ट्रेवर्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ओपन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लोज ट्रेवर्स। इसमें एक बड़ा न्यूमेरिकल भी आता है जिसमें एरर्स रिमूव करने होते हैं, बट अभी बिना एरर के विदाउट एरर ये न्यूमेरिकल को स्टार कर लो, ये में भी आ सकता है कि क्लोज ट्रेवर्स है फाइंड आउट द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रेवर्स। स्क्रीन शॉट ले लेना जो मोबाइल में कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैंने आपको बताया था कि ट्रू बेयरिंग और मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होती है। ट्रू बेयरिंग वो बेयरिंग होती है जिसमें हमारे पास ट्रू नॉर्थ होता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की हेल्प से जो हमें नॉर्थ मिला है वो ट्रू नॉर्थ हो गया। और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ जो मैग्नेटिक नीडल बता रही है, उन दोनों के बीच में हो सकता है सम एरर हो, सम डिफ्लेक्शन हो, तो उसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है, देखो यहाँ ड्रॉइंग के उससे देख लेते हैं, टी एन नॉर्थ ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ, ये ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा सा ईस्ट की ओर जा रहा है, थोड़ा सा ईस्ट की ओर जा रहा है, तो डिक्लिनेशन क्या होगा, थीटा, ये जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है और इसको बोलेंगे हम डिक्लिनेशन इन ईस्ट। सेम एज यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल जा रही है वेस्ट की ओर, तो डिक्लिनेशन हो वेस्ट। आपको पता है कि जो हमारे पास कंपास है वो मैग्नेटिक नीडल पे काम करता है, और जब हम ग्राउंड पे कंपास से कोई डायरेक्शन मेजर करते हैं तो हो सकता है कोई लोकल अट्रैक्शन हो, वहाँ पे कोई मैग्नेटिक चीज़ हो जो उसको डिफ्लेक्ट कर रही हो। ठीक है, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल जो स्पेस से सैटेलाइट से जो हमें नॉर्थ मिला है और जो कंपास नॉर्थ बता रहा है उसमें डिक्लिनेशन हो सकता है, एक तो हो सकता है ईस्टवर्ड की ओर, एक हो सकता है वेस्टवर्ड की ओर। तो ईस्टवर्ड की ओर जो होगा उसे ईस्टर्न डिक्लिनेशन कहेंगे और वेस्टवर्ड की तरफ जो होगा उसे वेस्टर्न डिक्लिनेशन कहेंगे। अब मुझे कोई एक कोई बताए कि अगर मेरे को मैग्नेटिक नॉर्थ की वैल्यू पता है और मेरे को ट्रू निकालनी है, मैग्नेटिक नॉन है ट्रू हमें निकालना है, तो ट्रू निकालने के लिए मैग्नेटिक में ऐड कब करेंगे वैल्यू और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे। दो तरह के डिक्लिनेशन है, ईस्ट और वेस्ट, तो आपको ये बताना है कि ईस्ट में ऐड करेंगे वैल्यू या वेस्ट में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ईस्ट में या वेस्ट में। ठीक है, समझ गए आप। आपके पास मैग्नेटिक नॉर्थ की वैल्यू पता है और आपको ट्रू नॉर्थ निकालना है। फर्स्ट केस में देखो ईस्टर्न में, बताओ कोई मुझे ईस्टर्न में अगर मैग्नेटिक नॉर्थ हमें पता है तो उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे हमें ट्रू नॉर्थ मिल जाए। सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, अगर मान लो ऐड करेंगे, एग्जांपल ट्रू नॉर्थ दिखा रहा है 0 डिग्री पे और मैग्नेटिक नॉर्थ इन ईस्टर्न में दिखा रहा है 10 डिग्री, तो 0 डिग्री बनाने के लिए यानी नॉर्थ बनाने के लिए क्या करेंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर ईस्टर्न वेस्टर्न में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं और उसमें कंफ्यूजन कहाँ होते हैं स्टूडेंट, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे। डिक्लिनेशन निकाल लेंगे लेकिन ट्रू निकालने के लिए ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट इसमें। ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न वाला आगे की ओर जा रहा है, उसे अपनी नॉर्थ पे सेट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, वेस्टर्न वाला पीछे है, उसे आगे लाने के लिए नॉर्थ पे लाने के लिए ट्रू नॉर्थ पे कुछ ऐड करने पड़ेगी वैल्यू। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। डिटरमिनेशन ऑफ ट्रू बेयरिंग एंड मैग्नेटिक बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग क्या होगी, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन है, यूज साइन व्हेन द ईस्टर्न साइड। अब तुम बोलोगे सर आपने तो कुछ और बोला था, मैंने बोला था ट्रू बेयरिंग अगर आपको निकालनी है तो क्या करना है, मैग्नेटिक बेयरिंग में आपको क्या करना पड़ेगा प्लस, ये बेयरिंग की बात हो रही है, यहाँ मैंने जो बात बोली थी ट्रू नॉर्थ की बात बोली, दोनों को चीजों को समझना,
मैं दोबारा से डायग्राम दिखा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। मैंने कहा था कि ट्रू नॉर्थ चाहिए मुझे, ठीक है, तो आपने इसमें से ईस्टर्न में से थीटा माइनस कर दिया, मैं एम एन में से थीटा माइनस कर दिया तो आपको निकल गया ट्रू नॉर्थ। अब बात हो रही है बेरिंग की, अब बात हो रही है बेरिंग की, अगर आपकी ट्रू बेरिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है आपकी लाइन जिसकी आपको बेरिंग निकालनी है और ये एंगल है थीटा, ठीक है, ध्यान से समझना, ये थीटा है। बेरिंग ऑफ ए जीरो ओ ए क्या आ रहा है, बेरिंग ऑफ ओ ए इज थीटा, बट ट्रू नॉर्थ कहाँ है हमारा, यहां पे है ट्रू नॉर्थ, जो यहां पे डिक्लिनेशन है वो कितना है आपका थीटा वन, ठीक है। अगर ट्रू नॉर्थ से ओ ए लाइन की अगर मैं बेरिंग बोलूं तो बेरिंग यही तो होगी, ये एंगल ही तो होगा ट्रू नॉर्थ से ओ ए की बेरिंग, तो क्या हो रहा है इसमें जो थीटा है, जो पहले थीटा था मैग्नेटिक नॉर्थ से, उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो रही है ना, डिक्लिनेशन ऐड हो रहा है तो बेरिंग में ऐड होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टू वर्ड ईस्टर्न ऐड और टू वन वेस्टर्न नेगेटिव, अगर मैग्नेटिक बेरिंग निकालनी है तो ट्रू बेरिंग में से प्लस माइनस डिक्लिनेशन, एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इसका ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल आ गया। द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 35 degree 30 minute, मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन यानी कि जो कंपास से नॉर्थ दिखा रहा है वहां से फॉर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी 135 degree 30 minute है, वट विल बी द ट्रू बेरिंग इफ द डिक्लिनेशन इज 5 degree 15 minute। मैं इसको ऐसे देख के बता दूंगा, इसमें ऐड होगी वैल्यू, ये 140 degree 145 minute आ जाएगा आंसर। इसको ग्राफिकली समझते हैं, पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं कितना आ रहा है, ट्रू बेरिंग मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लिनेशन, इसमें तो इन्होंने माइनस कर दिया है, माइनस कैसे कर दिया, द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 135 degree, ओके, वट विल द ट्रू बेरिंग इफ द डिक्लिनेशन, ओ वेस्टर्न दिया, सॉरी मैंने ईस्टर्न समझा था, यहाँ पे वेस्टर्न दिया हुआ है डब्ल्यू, तो देखा मैंने ही खुद ही गलती कर दी यहाँ पे बहुत जल्दी डिसीजन लेने की वजह से, क्योंकि ये मेरे को लगा कि फर्स्ट टाइम ईस्टर्न का न्यूमेरिकल आएगा, वेस्टर्न मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और इन्हीं पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं, जब मैं गलती कर रहा हूँ पढ़ाते वक्त ही, तो आप भी न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त गलती कर सकते हैं, ये जरूर देख लेना डिक्लिनेशन के बाद वेस्टर्न लिखा है कि ईस्टर्न लिखा है। इसको मैं ग्राफिकली और समझ लेते हैं, इसको क्या क्या एंगल दिया हुआ है इसने, 135 degree 30 minute और 5 degree 15 minute, ठीक है, ये है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, एम एन लिख देते हैं इसको, एम मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये है आपकी लाइन ए बी, ए बी, और इसकी जो बेरिंग दी हुई है 135 degree 15 minute दी हुई है, ठीक है। अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डिक्लिनेशन डिक्लिनेशन कहाँ है, वेस्टर्न की ओर, ठीक है, ये है वेस्ट आपका, तो डिक्लिनेशन यहाँ पे है, ट्रू नॉर्थ यहाँ पे है, ये रहा, ये है ट्रू नॉर्थ, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 degree 30 minute है शायद, 5 degree 30 minute डिक्लिनेशन है, 15 मिनट है, ठीक है, 15 ही मिनट है, ठीक है, चलो ये है। अब हमें निकालना है ओवर 35 30, क्या चीज, पर ओवर 35 30 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, थर्टी मिनट, ठीक है। अब हमें निकालना है ट्रू बेरिंग, तो ट्रू बेरिंग क्या होगा, अगर सर, हाँ हाँ सर, वेस्टर्न डिक्लाइन जो ट्रू नॉर्थ आगे नहीं आना चाहिए उसके, क्या कह रहे हो, अगर मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन वेस्ट की तरफ डिक्लाइन है तो ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन के आगे आएगा ना 5 degree से, सही कह रहे हो,
अगर मैं इसको ऐसे, बिल्कुल सही बता रहे हो, जब हम कह रहे हैं कि डिक्लिनेशन वेस्ट की ओर है, तो ये ध्यान रखना है हमें भी कि जो हमारा मेरिडियन है, लोकल मेरिडियन है, यानी कंपास वाला जो मेरिडियन है वो डिक्लिनेशन होगा नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ तो क्या है, मैंने गलती बना दिया है फिगर, जो हमारा ट्रू नॉर्थ है वो तो एस्ट्रोनॉमिकल है ना, स्पेस से देखा गया, वो कभी हिलेगा कभी नहीं हिलेगा, वो स्टैटिक रहेगा, ठीक है, वो जो है वो है। लेकिन जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, आप कहीं पे भी जाओगे तो कोई भी डिक्लिनेशन मिल सकता है, कहीं ईस्ट मिलेगा कहीं वेस्ट मिलेगा। तो जो हमें पहले बनाना है ना, सबसे पहले जो हमें नॉर्थ ईस्ट दिखाने हैं वो ट्रू वाले दिखाने हैं। मैंने क्या करा, मैंने कर दिया आपको मैग्नेटिक कंपास वाले दिखा दिए पहले, जिसकी वजह से फिर कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। तो हमेशा आपको जो ड्रॉ करना है, अगर ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग की बात हो रही है, तो एस्ट्रोनॉमिकल से जो है वो स्टेटिक है, पहले वो फिक्स कर लेना है, उसके बाद आपको बनाना है मैग्नेटिक बेरिंग। ये रहा मैग्नेटिक नॉर्थ, डिक्लिनेशन है यहाँ पे 5 डिग्री, एग्जाम्पल अभी 5 डिग्री ले रहा हूं मैं, ठीक है। और लाइन जो ए बी है आपकी, उसका यहां से दिया हुआ है एंगल 150 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर हमें ट्रू बेरिंग निकालनी है तो इसमें से माइनस हो जाएगा, हमें ये निकालना है, तो 150 माइनस 5 डिग्री, बहुत सिंपल है ना, इस बात का ध्यान रखना। देखो जब इसको पढ़ाते वक्त, क्योंकि मैंने भी एक ही बार देखा था आज, ये पढ़ाते वक्त मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, जबकि मेरे पास स्लाइड खुली हुई है। तो आप एग्जाम के टाइम आप भी कंफ्यूज में, बस यही है थोड़ा सा कि आप कंफ्यूजन हो जाते हो प्लस माइनस में, कैलकुलेशन भी इतनी बड़ी नहीं है, मैथमेटिक्स में इतनी आप करते हो, कैलकुलेशन भी छोटी है, और कुछ इतने बड़े कंसेप्ट भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, फोकस रखना है। अब फोकस आपका हिला और आपका इस तरह के एरर आपके आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसको भी कोई डाउट लगे इस तरीके से बता दे, वरना मैं उसे गलती बताया था। तो क्या करना है आपको, जो ट्रू नॉर्थ है सबसे पहले उसको ड्रॉ करना है, तभी आप ईस्टर्न और वेस्टर्न डिक्लिनेशन बता पाओगे, ठीक है। मैंने क्या किया, क्योंकि मैं पहले से ही मैग्नेटिक कंपास उसको ड्रॉ करता जा रहा हूँ, मैंने मैग्नेटिक ड्रॉ किया और मेरे माइंड में सेट किया है कि न्यूमेरिकल कहना है वेस्टर्न, तो वेस्टर्न में तो वेस्टर्न की ओर ही जाएगा, ये मैंने वेस्टर्न की तरफ बना दिया। बट ये ध्यान नहीं रहा मेरे कि ट्रू नॉर्थ तो ये होगा और कंपास मैग्नेटिक ये वाला होगा, ठीक है, उल्टा यहाँ पे कर दे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ग्राफिकली आप देखोगे तो बहुत सिंपल है, खुद ही पता चल रहा है किसमें से किसको माइनस करना है। सर्वेइंग में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे क्योंकि प्रैक्टिकल बेस है, मतलब वही चीज आप जो कैलकुलेट कर रहे हो पेपर पे, वो प्रैक्टिकली आप कर सकते हो लैब में। तो सारी की सारी चीजें अगर आप ग्राफिकली ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका डिक्लिनेशन था। डिक्लिनेशन पे सब छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत छोटे आते हैं, डिक्लिनेशन निकालना होता है आपको, और फिर आपको ट्रू बेरिंग या फिर दिया होता है मैग्नेटिक बेरिंग। देखो यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हो जाती है, अब जैसे हम सबको फॉर्मूला याद हो गया कि भाई वेस्टर्न है तो क्या करना है, ईस्टर्न है तो क्या करना है, ट्रू बेरिंग कैसे निकालनी है, न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि आप बताओ मैग्नेटिक बेरिंग, ठीक है। अब मैग्नेटिक बेरिंग आप अगर से पूछ लिया जाएगा, ट्रू बेरिंग गिवन है, अगर आप ग्राफिकली ड्रॉ करके आप करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, और आप डायरेक्टली है ना ऐसे ही सोचोगे माइनस प्लस करना, तो गलती होने के चांस है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में ग्राफिकली एक बार ड्रॉ जरूर कर लेना। अब इसी केस में अगर मैं कहूँ ये आपका ट्रू है और ये आपका मैग्नेटिक है और ये आपकी लाइन है, आपको ट्रू गिवन है, ये गिवन है, आपको मैग्नेटिक निकालना है, आपको डिक्लिनेशन गिवन है, ठीक है। तो ट्रू में से डिक्लिनेशन माइनस हो जाएगा तो आपका मैग्नेटिक बदल जाएगा, सिंपल। क्या तीन चीजें हैं, तीनों में से आपको दो गिवन होगी, एक निकालनी है। आपको ये देखना है कि अच्छा ये डिक्लिनेशन गिवन है ड्रॉ करने के बाद, अच्छा मैग्नेटिक गिवन है, अगर आपको निकालना है ट्रू तो दोनों को ऐड कर दो, साफ दिख रहा है, और आपको ये गिवन है तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा। तो सिंपल से ड्रॉ करके आपको अपना फॉर्मूला खुद ही बना लेना है, जो गिवन है उनकी वैल्यू लिख देनी है, जो अननोन है वो ग्राफिकली देख के प्लस माइनस कर देने हैं। तो कंपास सर्वे में हम चल रहे थे, जिसमें हमने कंपास, एक तो न्यूमेरिकल मैंने बताया था थ्योरी का,
आएगा ही आएगा, डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास, इसको लिख लेना, 8 पॉइंट से 8 के 8 आएंगे। दूसरा क्या है, उसके बाद हम चले थे कि क्वाड्रेट बेयरिंग को कन्वर्ट करना डब्ल्यू सी बी में, और डब्ल्यू सी बी को कन्वर्ट करना क्वाड्रेट बेयरिंग में, दो नंबर का ही आ सकता है। उसके बाद था आपका फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग, ठीक है, उसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल निकालना। उसमें एक केस बनता है कि जब इंटीरियर एंगल आप बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग से निकाल रहे होते हो, तो वहां पे जो नीचे वाले एंगल होते हैं वहां पे हमें पहले एक्सटीरियर निकालना होता है और फिर 360 में से माइनस करना होता है, ये याद रखना। उसके बाद डिक्लिनेशन में ये याद रखना कि कंफ्यूज हो जाओगे, ड्रॉ करके देख लेना है आपको। ट्रू हमेशा फिक्स होता है जो एस्ट्रोनॉमिकल है, पहले उसको बनाना है, और फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है हमेशा, जो डिक्लिनेशन ईस्टर्न और वेस्टर्न होगा वो मैग्नेटिक नीडल होगी, ठीक है। गलती से भी मेरी तरह मत कर देना कि मैंने मैग्नेटिक तो फिक्स कर दी और ट्रू को मैंने डिक्लिनेशन कर दिया, ट्रू तो कभी डिक्लिनेशन हो ही नहीं सकता ईस्टर्न वेस्टर्न में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपको इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लोकल अट्रैक्शन के, दो न्यूमेरिकल ऐसा भी आ सकता है कि दोनों चीजें हो रही है। देखो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एक तो डिक्लिनेशन है जो परमानेंट है, जो ट्रू से कुछ डिक्लिनेशन है, और फिर जहाँ पे आप सर्विंग कर रहे हो वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर स्टील का है, उससे और डिक्लिनेशन हो गया, हो सकता है वो उसके अपोजिट हो गया हो या उसके साथ में हो गया हो डिक्लिनेशन के। तो लोकल अट्रैक्शन प्लस डिक्लिनेशन दोनों को रिमूव करके हमें ट्रू वैल्यू निकालनी होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका लोकल अट्रैक्शन होगा। 29 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, जो अब्सेंट हैं उनसे अभी मैं पूछूंगा क्यों अब्सेंट हैं, उसके बाद उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी का कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट है मेरे को इन्फॉर्म कर दे, इन्फॉर्म करने से आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, बस उसके पेरेंट्स को कॉल नहीं जाएगी, हमें रीज़न पता होगा कि ये स्टूडेंट क्यों एब्सेंट है, ठीक है। और ठीक है फिर।